गैप द सीरीज के दूसरे एपिसोड के दूसरे पार्ट में जिन और या नोई का वीडियो देख रहे होते हैं। नोई जिन को वीडियो डिलीट करने को बोलती है पर वह नहीं करता है। फिर नोई इसका फ़ोन उससे लेकर वीडियो डिलीट कर देती है। वह कहता है कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर बना लूँगा जब तुम ड्रिंक करोगी। सैम मून को अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने को बुलाती है। वह अपने आइडियाज़ दिखाती है लेकिन सैम को पसंद नहीं आते हैं और फिर से करने को कहती है। मून फिर बना कर लाती है पर सैम फिर रिजेक्ट कर देती है। मून तीसरी बार और अच्छे से अपना आइडिया प्रेजेंट करती है। इस बार सैम कहती है यह अच्छा है पर उतना भी नहीं है कि यह मुझे वाव फील करा सके। मून सैम से कहती है क्या आप मुझे बता सकती हो या कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है और इस टाइप का कंटेंट आप चाहती हैं जिसे मैं फिर उस तरह से कोशिश करूँ। वह आगे कहती है या फिर आप कल रात की वजह से मुझसे नाराज़ हो और इसलिए मेरे आइडियाज़ को अप्रूवल नहीं कर रहे हो। सैम कहती है कल रात क्या, तुम बच्चों में कोई पेशेंस नहीं होते, इतना डिस्करेज हो जाते हो मेरी रिजेक्शन से। मून कहती है मैं डिस्करेज नहीं हूँ। सैम कहती है कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, अगर तुम्हें दूसरों से ज़्यादा अच्छा करना है तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मून कहती है मैं समझती हूँ और मैंने बहुत मेहनत भी की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सैम कहती है तो मेहनत करती रहो, अच्छे आइडियाज़ लेकर आओ। मून उन्हें जैसी हो जाती है। मैं कहती है ओके अंडरस्टैंड और चली जाती है। सैम अपनी ग्रैंड मदर से की हुई प्रॉमिस के बारे में सोच रही होती है और कहती है मैं यह कंपनी को सेफ रखूँगी। मून बाहर आती है या मून से पूछती है सब ठीक था। मून कहती है नहीं, या कहती है ऐसा लगता है मानो वह तुम्हें यह बार बार करा के परेशान कर रही हूँ, उन्हें अभी भी अच्छा नहीं लगा। मून कहती है पता नहीं। चीनी उसके पास आकर कहता है मून तुम्हें डॉक्यूमेंट होगी तो वह लाइट की स्पीड की तरह अप्रूवल हो जाएगा। मून पूछती है कौन सा डॉक्यूमेंट। चीन कहता है रेजिग्नेशन लेटर। वह हंसता है। मून कहती है नहीं, मैं कभी भी क्यूट नहीं करूँगी, मैं फाइट करती रहूँगी जब तक वह मेरे आइडियाज़ को अप्रूव नहीं करती। मून भी रात तक काम करती है। मैं घर जा रही होती है और देखती है कि सैम की ऑफिस की लाइट अभी भी ऑन है। सैम अच्छा फील नहीं कर रही होती है, उसका सिर दर्द कर रहा होता है। वह हेल्प लाती है पर ऑफिस में कोई नहीं होता। उतने में मून आती है। वह सैम से पूछती है अरे क्या हुआ, डिडी वॉस। सैम कहती है मेरा सिर दर्द कर रहा है, क्रिक को बुलाओ और उससे पेन किलर। मून सैम को सुपर बिठाती है और उसके पर्स से फ़ोन निकाल कर क्रिक को फ़ोन करती है पर वह रिसीव नहीं करता है। वह बार बार करती है। क्रिक नीता के साथ एक मीटिंग में बिजी होता है। नीता पूछती है तो तुम्हारी कंपनी के पास डाइवर्सिटी के अलावा कोई और पीच है। क्रिक कहता है अभी तो नहीं पर मुझे प्लानिंग मैनेजमेंट बिजनेस में भी जाना है। नीता कहती है मैंने तो ये आपकी पार्टनर को बहुत बार पोस्ट किया है पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। क्रिक के पास आंसर नहीं होता है। नीता कहती है यह केवल तुम्हारा डिसीजन है मेरे साथ बिजनेस करने का और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ एक लंच किया जाए ताकि हम आगे बात कर सकें, तो मुझे बता देना कि ब्यूटीफुल लेडी सैम कब फ्री होंगे। मून फिर से कॉल करती है तो नीता कहती है इम्पोर्टेंट लगता है, कैसे नॉन स्टॉप आ रहे हैं। क्रिक कहते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज मी और वो फ़ोन लेता है। मून कहती है मैं मून बोल रही हूँ मिस्टर के। क्रिक कन्फ्यूज होता है और फ़ोन देखता है। मून आगे कहती है लेडी सैम का सर दर्द कर रहा है। क्रिक कहता है क्या ज़्यादा हो रहा है। मून कहती है हाँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। क्रिक कहता है ऐसा करूँ मैं एक फार्मेसी बताता हूँ, तुम वहाँ से दवा ले आओ। सैम वहीं जाती है, मून मेडिसिन लेकर आती है। वो सैम को जगाती है और उसे दवाई देती है। सैम दवाई लेती है और वह मून की गोद में अपना सर रख देती है और कहती है अभी मत हिलना, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मून सैम के सर पर हाथ घुमाती है। तभी क्रिक का कॉल आता है। वह पूछता है अब सैम कैसी है। मून धीरे से कहती है वो अभी रेस्ट कर रही है मेडिसिन लेकर। क्रिक कहता है ठीक है, उसका ध्यान रखो और अगर वह घर जाना चाहती है तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ दूँगा। मून कॉल कट करती है। मून सैम कहती है तुमने कॉल क्यों पिकअप की, मैं सो रही थी। मून सॉरी कहती है और कहती है मिस्टर क्रिक का कॉल था, वह आपके लिए परेशान थे।
मून पूछती है सैम क्या आप ड्राइव कर सकते हैं। सैम कहती है क्या हम क्लोज हैं जो मुझे सैम बुला रही हूँ। मून कहती है सॉरी नहीं बॉस। सैम कहती है मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकती, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है। मून कहती है नहीं। सैम कहती है तुम कितनी यूजलेस हो। मून कहती है तो मैं मिस्टर ग्रीक को कॉल करती हूँ, वह आपको पिकअप कर लेंगे। सैम से मना करती है और कहती है नहीं मैं टैक्सी ले लूँगी। मून कहती है तो मैं आपके साथ आऊँगी, मुझे यूजफुल बनना है। मून सैम के साथ उसे ड्रॉप करने उसके घर आती है।